Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जियो के 4G नेटवर्क की कॉस्ट काफी कम है, जो कि एयरटेल और अन्य कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ती है। रिलायंस जियो ने भारती एयरटेल की इस आरोप को गलत बताया है। जियो ने अपने बयान में कहा है कि जियो के 4G नेटवर्क की कॉस्ट कम होने का कारण उसका अलग एक अकाउंटिंग सिस्टम है। जियो का ये भी कहना है कि ये दोनों मुद्दे आपस में नहीं जुड़े हैं और कॉस्ट में अंतर की वजह कंपनी की ओर से इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी है। इस मुद्दे पर जियो के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का कहना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। जियो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करती है। यह कहना गलत होगा कि कंपनी अलग तरीके से अकाउंटिंग करती है। सुनील मित्तल की कंपनी भारतीय एयरटेल आरोप लगाते हुए कहा है कि जियो की कम नेटवर्क कॉस्ट का कारण इसका एयरटेल सहित दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियों से अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अपनाना है। जियो की अकाउंटिंग का तरीका काफी अलग है। अन्य टेलीकॉम कंपनियां साधारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करती हैं, जिसमें यह तय करने के लिए स्थापित ट्रेंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लागत को बैलेंस शीट में दिखाना होता है। वहीं जियो का कहना है कि कंपनी की कम 4G नेटवर्क कॉस्ट का कारण वॉइस ओवर LTE यानी कि वोल्टी टेक्नोलॉजी है। जियो किसी भी अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करता। अथॉरिटीज के सामने यह प्रदर्शित किया गया है कि एक IP नेटवर्क पर वॉइस कॉल की कॉस्ट प्रति मिनट 0 से 0.05 पैसे है। पुराने टेलीकॉम कंपनियां IP फ्रेमवर्क को अपग्रेड नहीं कर पा रही है और इस वजह से वे अपने 2G 3G कस्टमर्स से वॉइस कॉल के लिए अधिक चार्ज ले रही है। जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 18% और 5% वॉइस ट्रैफिक वोल्टी पर है, जबकि जियो के लिए यह 100% है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों में वॉइस ट्रैफिक के बीच संतुलन नहीं है। इससे ट्राई ने जीरो इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज यानी कि IUC पर एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है। IUC का भुगतान कॉल की शुरुआत वाली टेलीकॉम कंपनी उस टेलीकॉम ऑपरेटर को करती है जिसके नेटवर्क पर कॉल जाती है। वर्तमान समय में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो एक दूसरे पर वॉइस ट्रैफिक में असंतुलन का आरोप लगा रही है। बता दें कि अभी IOC से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अधिक रेवेन्यू मिलता है, परंतु वॉइस ट्रैफिक में अंतर कम होने से आने वाले समय में यह स्थिति बदल सकती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।